हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवेंथ इंग्लिश मीडियम बेटा, साइंस की क्लास, आपका लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ सेवेंथ क्लास, या आप फिर से कंफ्यूज नहीं हुई है। वीडियो के अंदर मैं आपको कई बार बता चुकी, या आपका लेसन 3 मैंने लिखा है, पर ये 3 की जगह पर आपकी बुक में 10 है। ये 10 चैप्टर है आपका, तो कोई बात नहीं। लेसन 3 के फॉर्म में मैंने पढ़ाया था, लेसन 3 के अवज में मैंने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी से। तो आप इसे पहले से कंप्लीट कर लीजिए, ये लेसन 10 है आपकी बुक में। फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका लेसन 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चलेगा। तो उसमें लेसन 3 के अंदर आप देखिए, जितना आपका हो गया था एक्सरसाइज वो आपका कंप्लीट अब करेंगे। आगे आपका डी सेक्शन चल रहा है, डी पार्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हो चुके थे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है देखें, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ obtaining silk fiber, silk fiber from the silk worms. आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम सिल्क। ये कल मैंने आपको करा दिया था, आज आपका है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वर्म। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, सिल्क फाइबर आपको सिल्क वर्म से कैसे आपको मिलता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि सिल्क फाइबर आप किस तरीके से सिल्क वर्म से ऑब्टेनिंग करते हैं। इसके लिए आपको कई सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लिविंग है, सेरिकल्चर है, इसमें किस तरह से आपको मिलता है, यानी किस तरीके से आप ऑब्टेनिंग करते हैं फाइबर की, उसमें कई सारे स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। तो कलेक्शन आपका जो है वो आपका नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, यानी सिल्क ऑब्टेनिंग फाइबर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वर्म। तो आप पहले इसमें लिखेंगे, सिल्क इज ऑब्टेन बाय, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म इट इज obtained from the silk moth
वो आपका है बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। इसके अंदर आपको किस तरीके से आपका यानी वेरियस स्टेज आपको सिल्क मोस्ट से किस किस स्टेज के अंदर आपको पूरा सिल्क वर्म ऑब्टेन होता है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोड। अब वो कौन कौन से हैं तो वो आप लिख सकते हैं वेरियस स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन नेम ऑफ ए एंड सेकेंड ऑप्शन हैचिंग इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स एंड थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोकून एंड फोर्थ ऑप्शन है इमरजेंस ऑफ ए सिल्क मोथ। तो यहाँ पर आपने देखा एक्सप्लेन करना है प्रोसेस का, तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वर्म। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस जो ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर कैसे आप सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सिल्क वर्म। तो आपका आंसर होगा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी, द वेरियस स्टेजेज इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ आर लाइक फर्स्ट प्रोसेस नेम लेइंग ऑफ एग्स एंड सेकेंड हैचिंग इनटू लार्वा और कैटरपिलर्स एंड थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कोकून एंड फोर्थ ऑप्शन इमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ। एंड देन फोर आपके स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं लाइफ साइकिल में सिल्क मोथ के, जिससे आपका सिल्क वर्म जो है ऑब्टेनिंग होता है। तो इस तरीके से सिल्क फाइबर ऑब्टेनिंग का होता है सिल्क वर्म से। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके अंदर डिटेल भी मैंने आपको उसके वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेली। मैंने आपको पॉइंट समझा दिया है तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क वर्म, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी एंड द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ आर फर्स्ट ऑप्शन लेइंग ऑफ एग्स, सेकेंड हैचिंग इन टू लार्वा और कैटरपिलर्स, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कोकून एंड फोर्थ इमरजेंस ऑफ सिल्क मोथ। ये फोर स्टेजेस के द्वारा आपका फाइबर ऑब्टेन होता है सिल्क वर्म से। इस तरीके से आप चार प्रोसेस को कंप्लीट करा के फिर आप सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। इसका डिटेलिंग मैंने वीडियो के अंदर पहले ही डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या डेफिनेशन है आपका। इतना वैसे इतना लिखना आपने, मैंने पॉइंट से आपको डिक्टेट कर दिया है। एंड नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आइए, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है फाइव
आपका फिफ्थ चलेगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देन क्वेश्चन इज ए मेक ए टेबल आउटलाइनिंग द डिफरेंस between various type of silk। आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए आपसे कह रहा है मेक ए टेबल, आप एक टेबल बनाएं, आउटलाइन करते हुए द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क के उसके कलर्स या जो भी उसके अंदर डिफरेंस है वो आपको समझाना है। तो आप एक टेबल में समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपको वो आप उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। देन द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, तो पहले आप सिल्क का नाम लिखिए, कौन कौन से सिल्क होते हैं। तो मेक ए टेबल, पहले आपको टेबल बनानी है। तो देन आंसर फाइव आपको है मेक ए टेबल आउटलाइनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। देन द फर्स्ट टाइप ऑफ सिल्क मलबरी सिल्क एंड सेकेंड टसर सिल्क एंड थर्ड ऑप्शन इज ओएक टसर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए कोशा सिल्क and the fifth option is muga silk। तो आपके ये फाइव तरह के मैंने सिल्क लिख दिए हैं आपको, फाइव टाइप के। फर्स्ट आपका है मलबरी सिल्क, और दूसरा आपका है टसर, और तीसरा है आपका ओक टसर, चौथा कोसा, और पांचवा मुगा। इनके डिफरेंस अगर देखे जाएं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सॉफ्ट शाइनी, ये क्वालिटी है, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। देन ये आपके टाइप्स ऑफ सिल्क हैं, और ये प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं उसकी, लाइक प्रॉपर्टी। देन टसर सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके रफ इन टेक्सचर एंड लाइट ब्राउन इन कलर। तो आप ये दे सकते हैं। फिर ओक टसर में आप दे सकते हैं फाइनर, यानी ये जो आपका है वो कहाँ से मिलता है, तो ये आप लिख सकते हैं these silkworm feed on oak plant। ये हो गया। एंड कोशा सिल्क में दे सकते हैं आप, कोशा सिल्क में
सॉफ्ट एंड साइनी, सॉफ्ट एंड साइनी इन टेक्सचर, इन टेक्सचर एंड वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज। तो ये भी बता सकते हैं। एंड मोगा सिल्क, मोगा सिल्क में लिख सकते हैं इज गोल्डन येलो, गोल्डन येलो इन कलर। आप इस तरीके से, यानी यहाँ पर आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये, आपका यहाँ पर ऑप्टेनिंग का हुआ होता है। तो बेटा इसमें, इसमें आपका क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से इसमें आप बता सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में मेक ए टेबल, आपको एक टेबल बनानी थी जिसमें आउटलाइनिंग करनी थी और द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, सिल्क के अंदर डिफरेंशिएशन बताना था। तो मैंने आपको यहाँ पे फाइव तरीके के सिल्क लिख दिए हैं, उनका प्रॉपर्टी लेवल पर डिफरेंस भी क्लियर कर दिया है। देन द मेक ए टेबल आउटलाइनिंग द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, देन फर्स्ट टाइप ऑफ सिल्क इज कॉल मलबरी सिल्क एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिल्क इज सॉफ्ट, साइनी, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंड सिल्क नेम टसर, एंड टसर द प्रॉपर्टी इज ऑफ टसर सिल्क इज रफ इन टेक्सचर एंड द लाइट ब्राउन इन कलर। एंड थर्ड टाइप ऑफ सिल्क इज कॉल्ड ओक टसर, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ओक टसर इज द सिल्क वर्म, यानी कि इसके अंदर जो सिल्क वर्म होता है जिससे ओक टसर मिलता है, तो द सिल्क वर्म ऑफ द ओक टसर इज फीडिंग ऑन ओक प्लांट। एंड द फोर्थ टाइप कोसा सिल्क नेम, द सिल्क टाइप नेम इज कोसा सिल्क, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोसा सिल्क इज सॉफ्ट एंड साइनी ऑल्सो इन टेक्सचर। और फिफ्थ आपका है मोगा, मोगा सिल्क। एंड मोगा सिल्क जो आपका है वो फिफ्थ टाइप ऑफ सिल्क नेम है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मोगा सिल्क इज दिस सिल्क इज में गोल्डन येलो इन कलर, एंड देन एक्चुअली इसमें जो इसका कलर होता है वो गोल्डन येलो जैसा दिखाई देता है, और ये भी आपका जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आपके बेटा, मैंने फाइबर टू फैब्रिक के अंदर जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें डी सेक्शन में फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके, बाय।